दोस्तों इस फोटो को जरा गौर से देखो। इस पिक्चर को अलग अलग तरीके से क्रॉप करके देखने पर आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है। 1970s में साइकोलॉजिस्ट एमोस टवर्सकी और डेनियल कानमैन ने एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट को स्टडी किया। मैगी किसी इन्फॉर्मेशन या किसी चीज को प्रेजेंट करने का तरीका लोगों की डिसीजन मेकिंग को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है और इसे ही द फ्रेमिंग इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बेकार पेंटिंग को बड़े लग्जूरियस फ्रेम में लगा के एक बड़े हॉल में रखा जाए तो लोग उसे एक मास्टरपीस मानने लगेंगे। इस इफेक्ट के हिसाब से इंसानी दिमाग आप क्या प्रेजेंट करते हो उस पे नहीं, बट आप कैसे प्रेजेंट करते हो उस पर ज्यादा फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, दोनों में ही सेम वर्ड्स हैं, बट मैसेज कुछ अलग कॉन्वे होता है क्योंकि उसकी फ्रेमिंग अलग तरीके से करी गई है। इस कॉग्निटिव बायस का यूज करके लोगों के डिसीजन को काफी हद तक मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे आप कोई पैकेट जूस खरीदने गए, एक पर लिखा है 85% शुगर फ्री और दूसरे पर लिखा है जस्ट 15% शुगर ओनली, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप 85% शुगर फ्री को ही चूज करेंगे। बट इन रियलिटी दोनों का ही मतलब सेम होता है, चाहे 85% कम शुगर हो या 15% शुगर हो, दोनों ही केसेस में बात सेम ही है। बट इंसानी दिमाग कुछ इस तरीके से वायर्ड है कि वो हर बड़े नंबर को एक बेटर डील मान लेता है। किसी बड़ी सर्जरी के बाद अगर डॉक्टर बोले कि 90% चांसेस है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वही डॉक्टर कहेगी सिर्फ 10% चांस है कि ऑपरेशन फेल हो जाएगा तो आप घबरा जाओगे, जबकि दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि दोनों को बस अलग अलग तरीके से फ्रेम किया गया है, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। रिसर्च बताती है कि क्वेश्चन और स्टेटमेंट की सही से फ्रेमिंग करने से आप लोगों से मनचाहा जवाब पा सकते हैं। फ्रेमिंग इफेक्ट कंज्यूमर साइकोलॉजी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जैसे कि ताजा मिल्क, फ्रेश टोमेटो केचप, रियल जूस। नाउ ये सारे प्रोडक्ट ताजा, फ्रेश या रियल हों ये जरूरी नहीं, ये तो सिर्फ उनके नाम है लोगों के दिमाग को ट्रिक करने के लिए। पॉजिटिव और हेल्दी दिखने की सबकी फ्रेमिंग करी गई है, अगर आप पैकेट को घुमा के देखोगे तो पता चल जाएगा। न्यूज चैनल्स, पॉलिटिशियंस, चैरिटी कैंपेन्स, कंपनीज और मैनिपुलेटर्स इस फ्रेमिंग इफेक्ट का जमकर यूज करते हैं। दोस्तों इमेजिन करो कि आप 19th सेंचुरी में पहुंच चुके हो हनोई में, जहां फ्रेंच कॉलोनियल का रूल चल रहा है। अब वहां पर रैट इन्फेक्शन फैल चुका है, जिसको रोकने के लिए गवर्नमेंट एक सॉल्यूशन निकालती है कि जितने भी लोग अगर रैट को पकड़कर लाके गवर्नमेंट को देंगे तो गवर्नमेंट उन्हें उसके बदले रिवॉर्ड देगी। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट द्वारा लिया गया ये डिसीजन अच्छा है या नहीं? वेल, 19th सेंचुरी में ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसकी वजह से मरे हुए रैट्स के बदले गवर्नमेंट ने लोगों को पैसे देना स्टार्ट किया था। नाउ ऐसा करने से बहुत सारे रैट्स पकड़े तो गए, लेकिन उसके अपोजिट कई सारे लोग ज्यादा रिवॉर्ड पाने के चक्कर में खुद से ही रेट्स पैदा करने लग गए और उन्हें मारकर गवर्नमेंट को देने लग गए। लोगों ने इस चीज को एक बिजनेस बना दिया। ऐसा ही कुछ 1947 में हुआ था डेड सी स्कॉल्स के साथ, जिन्हें बहुत पवित्र माना जाता था। वो जब आर्कियोलॉजिस्ट को मिला तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जितने भी लोग ये स्कॉल्स के पीसेस को लाकर उन्हें देंगे तो उन पीसेस के बदले हम उन्हें रिवॉर्ड देंगे, जिसकी वजह से हुआ यह कि कई सारे लोगों को जो भी स्कॉल्स के पीसेस मिलते थे तो लोग जानबूझकर उसको फाड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर देते थे ताकि ज्यादा रिवॉर्ड मिल सके। सिमिलर चीज चाइना में भी देखने को मिली। चाइना में 19th सेंचुरी में डायनासोर के जो बोन्स मिलते थे उसके टुकड़े गवर्नमेंट को देने पर गवर्नमेंट उन्हें रिवॉर्ड देती थी। तब लोगों ने क्या किया कि जो भी उनको हड्डियां मिलती थी वो जानबूझकर उन हड्डियों को तोड़ तोड़ कर उनके टुकड़े कर देते थे और गवर्नमेंट को देते थे ताकि ज्यादा रिवॉर्ड मिल सके। नाउ ये चीज क्या दिखाती है? ये चीज दिखाती है साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल, जो है इंसेंटिव सुपर रिस्पॉन्स टेंडेंसी, जिसकी वजह से जब लोग इंसेंटिव पर ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं तो वो कई गलत गलत काम करने लग जाते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा इंसेंटिव पर फोकस नहीं करना चाहिए काम करने या कराने के लिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।